अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है और अभी हम लोग जान लगे हैं अदालत में। आप लोगों को पता है हम लोगों ने थोड़ी सी जमीन खरीदी है, अपने घर के सामने प्लाट खरीदा है, उसका थोड़ा सा मसला बन गया हुआ है और उसका स्टे आ गया है, तो हम लोगों ने सारा काम इधर ही रोक दिया है। आज दो तरीक को अदालत में जाना था, तो सुबह सुबह नहा धो के रेडी हो गया, तो अभी निकलते हैं फिर अदालत की तरफ। आप सबको भी इंतजार था दो तरीक को फैसला सुना जाएगा इंशाल्लाह। आज जो भी फैसला होगा, जो भी बातचीत होगी, आपको सारी मैं बताऊंगा। सुबह सुबह का टाइम है, अबू जान नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो अभी जल्दी से निकलते हैं और चलते हैं अदालत में। अबू जान ने राजे को बाहर निकाल लिया, अबू जान खुद भी रेडी हो गए हैं। आप सब लोग भी दुआ करें कि इस प्लाट का आज काम खत्म हो जाए, मतलब आज स्टे टूट जाए। अगर आज स्टे टूट गया ना, तो फिर सारे नो आई लव यू फूक मार के आई लव यू। फिलहाल सुबह सुबह का टाइम है और बिलावल डक्स को लेकर आया है, इधर छोड़ना, वहाँ पर पानी खरा ना, तो इधर डक्स सारा दिन खेलते कूदते रहते, शाम को अंदर ले जाते हैं, गाय गाय के भी चारा वगैरह डाल दिया, सब कुछ रेडी है। तो अबू जान भी कार में बैठ गए हैं, अभी जल्दी से राजे भी बैठते हैं और फिर निकलते हैं अदालत की तरफ। अरे साथ बस रोड हम जा और सदर भी जा रहे हैं। जी हाँ जी, क्या लगता है स्टेट टूट जाएगा आज? बेटा कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह, आज ही टूट जाए, आज अल्लाह ताला की मर्जी। सुबह के अभी 8 बजे हैं और हम लोग घर से निकल चुके हैं और सुबह सुबह सूरज देखे फुल जोरों पे आज। कभी कभी महीना नजर ही नहीं आता और आज सुबह सुबह ही फुल फार्म में। मैंने अभी अपने सोरे भी जाना था और ये नवा पांगा पे आ गया पेशियों वाला। अब जब अगर आज नहीं स्टे टूटता तो कितने दिन की पेशी पड़ेगी? तकरीबन 14-15 दिन की तो पेशी पड़ेगी ना, मतलब सोरे जा सकते हैं। हमें पेशी से डर नहीं लगता साहेब, इस रोड से लगता है। गंदा रोड भाई, चेक करो जरा, यहाँ से बड़ी गाड़ी बसें वगैरह बहुत मुश्किल से गुजरती हैं, इतना गंदा रोड है ये। ये देखें, इस तरह का रोड हो ना तो बस मिनटों में हम लोग पहुंच जाए, लेकिन पीछे वाला इतना गंदा रोड है बंदे को चक्कर आने लग जाते हैं। चले कोई नहीं, अब थोड़ा ही सफर रह गया, तो अभी जल्दी से पहुंचते हैं वहां पर और देखते हैं फिर आज क्या बनता है। पहली बार अदालत देखूंगा मैं आज। बस रोड हम लोग पहुंच गए हैं जी, हम लोग अदालत में पहुंच गए हैं। अभी सबसे पहले अपने राजे को पार करते हैं इधर, उसके बाद चलते हैं फिर अपने वकील के पास, उसके बाद फिर अदालत में चलेंगे। बस रोड हम लोग पहुंच गए हैं, अभी वकील से बात हो गई है, फिलहाल जहाँ पर बैठ के नाश्ता करने लगे हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर जो बनेगा आपको बताऊंगा। नाश्ते में हम लोग खा रहे हैं चावल चने और साथ बिरयानी। वापस हम लोग अपने राजे के पास आ गए हैं, अभी घर वापस जाने लगे हैं। आज जज साहब भी नहीं आए, हम दौड़ लगा लगा मर गए और जज साहब भी नहीं आए। वाह, पढ़े लिखे लोग ने नहीं होंगे। अभी फिर राजे को निकालते हैं, तो पेशी पड़ गई है 3 महीने की 2 तारीख। अभी फिर राजे पे बैठते हैं और चढ़ते हैं घर वापस। फिर अभी ऐसे ही चलो, कोई नहीं, महीने का टाइम मिल गया, मैं सोरे सोरे हो आऊंगा। चलो जी, चलिए फिर घर। हाँ जी चलिए, चलो जी जान दो गड्डी। हम लोग घर पहुंच गए, नींद आई हुई थी सुबह सुबह, अबू जान ने उठा लिया था, तो इस वजह से नींद नहीं पूरी हुई, तो मैं रास्ते में सारा रास्ता सोता हुआ आया हूँ, तो अभी नींद पूरी हो गई है। घर में आके सबसे पहले जुमा पढ़ने गए, जुमा पढ़ के भी घर आया हूँ और आते ही रोटी पकड़ी है ताजी। काफी लोग पूछते हैं कि शादी के बाद क्या फर्क पड़ा है, क्या चीजें यारा, रोटी ताजी लग जाती है। हाँ जी, आप सबको पता है मेरे अम्मी जान अकेले थे, तो हम 5 भाई एक सिस्टर और अबू जान, मतलब इतने ज्यादा लोगों को मेरे अम्मी जान अकेले संभालते थे, सिस्टर अभी छोटी है ना, तो अकेले खाना बनाना सब कुछ। अम्मी जान सुबह सारा खाना बना देते थे, तो शाम तक वही खाना है, तो अभी तो जब कहो तो ताजा। ये है शादी के फायदे, अब जब दिल करे ताजी रोटी। इतनी तारीफ ना मुँह पे करते रहना चाहिए ताकि रोटी टाइम से लगती रहे, तो थोड़े से पंप शंप चकाते रहना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करने लगे लंच, लंच करने लगे हैं दाल माश के साथ, 7 अंडे और पराठे। पर मैं पराठा खाता हूँ, अबू जान सूखी रोटी खाते हैं। अबू जान को अम्मी जान ने आदत पा दी है, अबू जान तारीफ नहीं करते अम्मी जान की, अम्मी जान फिर पका के नहीं, नहीं मुझे खांसी लग जाती है जब मैं पराठा खाता हूँ। ओके जी ओके, माशाल्लाह। रोटी खा के फुल राज मार के अभी मैं जाने लगा हूँ दौधर से गुबलाने। अम्मी जान बता रहे थे कि सुबह के जब के हम लोग अदालत में गए हैं ना, तब के सेब और दौध गए हुए हैं बाहर खेलने और अभी तक घर नहीं आए, जाओ इनको बुला कर लाओ, तो अभी मैं उनको बुला कर लाता हूँ। माशाल्लाह आजकल मजा आता है बाहर घूमने का ना, गांव में आजकल चारों तरफ हरियाली हरियाली हुई पड़ी है, माशाल्लाह।
आ जाओ सारा जवानो अंबे और कह रहे सवेर से आए ने बस जाके पठे पाए ने फिर दोबारा आ गए ने आहो तो पठे पा के हूं आए हो ना आहो तो फिर तस्वीर नहीं आए नहीं जुम्मे पढ़ गए मेनू फड़न जानी पैनी मैं गवाच गई जे काफी देर खेले मजा आ गया मैं जिस ट्रेन की तरफ था ना वो हार गया है तो अभी हम लोग घर जाने लगे हैं चल आया जल्दी कर जल्दी ला के आ पीछे मत ला बरात जा रही है जी ले भी आशिक सैन का ब्याह हो गया पैन नंबर ले गया भाई माशाल्लाह हुन से बेदी बार रही है अम्मी जान ना सोफों का शार लेकर आए हैं तो अम्मी जान कह रहे थे कि ये भी अपनी वीडियो में दिखाओ ये देखें नीचे से सोफे हमारे इस तरह के हैं और जो अम्मी जान न्यू कपड़ा लेकर आए सोफे के ऊपर डालने के लिए ये देखें बहुत ही प्यारा और मुलायम है माशाल्लाह इसके साथ सोफे जल्दी गंदे नहीं होते शार ऊपर से उतारो दो वो बस काम खत्म माशाल्लाह अम्मी जान ने कहा था ये दिखाओ तो मैंने आपको दिखा दिया हमारा प्लान ना कहीं टूर पे जाने का था लेकिन आप सबको पता जमीन का थोड़ा सा मसला बन गया उस वजह से हम लोग टूर पर नहीं जा सके और रानी को तकरीबन एक महीना हो गया आराम से खड़ी है कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं वेली निकम्मी आप सब लोग मुझे मशवरा दो कार के ऊपर टूर पर जाएं या अपनी साइकिलों पे अगर टूर पर जाते हैं ना मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है सुहेब मेरे साथ ना नॉर्थ ने एक तरफ कभी भी नहीं गया टूर पर तो वो कहता है आपने जाना है तो मैं भी जाना है चाहे कार पर जाओ चाहे साइकिल पर जाओ अगर साइकिल पर जाते हैं तो लाख डेढ़ लाख की साइकिल से लेकर देनी पड़ेगी महंगी हो गई है काफ़ी ज़्यादा उसके अलावा मेरा एक दो प्लान हो रहा है अगर साइकिल टूर पे जाना है तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो लेकिन आप लोग बताएं आपको कौन सा टूर पसंद है हम लोग वो करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मज़ा आएगा इंशाल्लाह ज़रूर दस्यो जालमो कमेंट करके आजकल इलेक्शन हो रहे हैं ना तो मेरे ख्याल में कोई आने वाला है तो इस वजह से सोफे वगैरह लेके जा रहे हैं वो सामने ही हवेली पे बिठाएंगे जो भी आएगा बाकी एक और बात आपसे करनी थी कि आप लोग बेफिक्र हो जाएं कोई मसले वाली बात नहीं है जगह हमारी इधर ही पड़ी हुई है ज़्यादा से ज़्यादा साल लग जाएंगे शायद 5 साल लग जाएं 10 साल लग जाएं जितना भी साल लगेंगे कोई मसला नहीं जगह तो इधर ही है ना बाकी इस जगह से हमें कुछ आना तो नहीं था ना हमें इसके ऊपर खर्चा ही करना था चलो इतनी देर कोई और काम कर लेंगे लेकिन फिर भी हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग अपनी भैंसें बांध सकते हैं अपने डक्स रख सकते हैं अपने पिंजरे रख सकते हैं मतलब पिंजरे वगैरह रख के अपने हम लोग परिंदे भी रख सकते हैं यूज हम लोग कर सकते हैं चले कोई नहीं अल्लाह पाक जो भी करते हैं बेहतर के लिए करते हैं जो भी होगा हमारे लिए बेहतर होगा बाकी गुस्सा आता है हमें भी आया था क्योंकि इतनी ज़्यादा पैसे लगा के अपने सारे पैसे ज़मीन के ऊपर लगा के और ज़मीन के ऊपर इस तरह रोला बन जाए तो फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो बहुत मुश्किल से दिल को समझाया अबू जान कहते हैं कि बेटा ये छोटे मोटे काम नहीं है शायद लंबा भी काम चले तो आप लोग यहाँ से अपना माइंड को हटा दो उस जगह से हमें कुछ आना तो नहीं था ना हमने ऊपर ही खर्चा करना था इस वजह से बिल्कुल फ्री हो जाओ तो मैंने कहा कोई मसला नहीं तो आप सब लोग भी टेंशन फ्री हो जाएं इंशाल्लाह आगे से हम लोग अपनी रूटीन जैसे पहले चवले मारते थे वैसे मारा करेंगे तो ये तमाम का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह हाफिज़।